हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल यू एंड वी के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर वीडियो के माध्यम से आपके लिए कोई ना कोई वास्तु का उपाय बताते हैं, जिससे आप अपने घर के अपने ऑफिस के वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं। और आप देखेंगे हम हर वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई उपाय लेकर आते हैं दोस्तों, चाहे वह उपाय आपके रोजगार को लेकर हो, व्यवसाय को लेकर हो, बिक्री को लेकर हो या धन आगमन को लेकर हो। तो हर वीडियो में हम आपके लिए छोटे छोटे उपाय बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में इंसान बहुत सारी समस्याओं का सामना करता है। तो इन समस्याओं का यदि घरेलू उपाय हो जाए तो इससे अच्छी और क्या बात होगी दोस्तों। तो आइए, हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से हमारी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे हनुमान जी का एक छोटा सा अचूक उपाय, जो यदि आप करते हैं मंगलवार के दिन, यदि आप यह हनुमान जी का अचूक उपाय करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी मनोकामना की पूर्ति ना हो, अवश्य ही आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। तो सबसे पहले आप नित्य कार्य करके हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, उन्हें पहले सिंदूर अर्पित करेंगे दोस्तों, सिंदूर अर्पित करेंगे, फिर उन्हें एक गुलाब की माला अर्पित करेंगे। सिंदूर अर्पित करना है, फिर उसके बाद गुलाब की माला अर्पित करनी है और अपनी मनोकामना की पूर्ति करनी है। हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करना है आपको। हनुमान चालीसा 11 बार पाठ करने के बाद अपनी मनोकामना की पूर्ति के, मतलब अपनी मनोकामनाएं उनको बताने के बाद, आपको उनकी माला जो आपने अर्पित की उनमें से एक फूल लेना है दोस्तों, सिर्फ एक फूल लेना है। एक फूल को वापस आप घर आएंगे, एक लाल कपड़े में लपेट कर अपने तिजोरी वगैरह में रख लेंगे, या जो भी आपका सबसे अच्छा जगह मानते हैं आप, घर का मंदिर वगैरह वहाँ पर रख लें, या तिजोरी वगैरह में रख लें, या किसी अलमारी वगैरह में रख लें जहाँ पर आप अपनी चीज़ें रखते हैं। तो दोस्तों, इससे आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी, आपके घर में धन आगमन होगा और आपके जो अत्यधिक खर्चे वगैरह हो जाते हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे दोस्तों। तो अपनी मनोकामना की पूर्ति करने के लिए, अपने घर की धन समृद्धि करने के लिए आपको हनुमान जी का यह अचूक उपाय अवश्य करना चाहिए दोस्तों। और भी लोगों तक हमारी बात पहुंचाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।